नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तत्शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से कुछ सूचनाएँ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, अशासकीय महाविद्यालयों को मिले 31 असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीबीबी होगी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके आज के समाचार पत्रों में दिया है। जारी रिजल्ट के अनुसार इतिहास विषय का अंतिम चयन परिणाम जो है जारी कर दिया गया। भानु प्रताप ने इतिहास विषय में टॉप किया है और जो है इन सबको नियुक्तियाँ जल्द से जल्द दी जा रही हैं। वहीं बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड जून में लिए जाएंगे। डीएलएड के लिए आवेदन दाखिले जुलाई में होंगे पूरे। उत्तर प्रदेश डीएलएड 2022 में प्रवेश जुलाई में पूरे किए जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रशासन को अगले हफ्ते डीएलएड 2022 के प्रवेश के लिए प्रस्ताव भेजेगा। इसके लिए आवेदन जून में लिए जाएंगे। वहीं टैटू बनाया तो पुलिस में नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा भी समाचार पत्रों में दिया गया है। तमाम ऐसे लड़के हैं जिनकी टैटू बनवाते हैं, तो टैटू बनवाने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग में अब नौकरी नहीं मिलेगी। और यह मामला एक निकल करके आया है जिसमें कि साफ स्पष्ट यह बात कही गई है। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में एमबीए और एमबीबीए की परीक्षाएं 6 जून से हैं। विश्वविद्यालय ने जारी किया है विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम, आप साइट जो विश्वविद्यालय की है उस पर विजिट करके देख सकते हैं। दिया है लखनऊ विश्वविद्यालय की बीबीए एवं एमबीए की जो परीक्षाएं हैं सेमेस्टर, वह जारी कर दी गई हैं, तो सारे अभ्यर्थी इसको आप देख सकते हैं। वहीं जो है दिया है पेट की जो कट ऑफ है उसको लेकर के कोर्ट केस की सुनवाई 26 मई को निर्धारित की गई है। क्रम संख्या 34 पर ये लगा हुआ है और आपको बता दें कि ये फ्रेश लिस्ट वाली केस में है और सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। इस मामले में क्या रिजल्ट आएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रवेश परीक्षा में आखिरी 50 सेकंड तक बदल सकेंगे जवाब, 15 मिनट में 3 बार आएगा अलार्म। तो यह पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की बात कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा के रूप लेने के लिए जो प्रवेश परीक्षा है वो आज है, जिसमें कि 50 सेकंड में आप जो है अपने आप जो क्वेश्चन है उसके आंसर चेंज कर सकेंगे। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 7 जून से होंगी। इसकी सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आज जारी कर दी है। एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 25 तारीख से शुरू होनी है। शिक्षक सैन्यकर्मी भी करेंगे शोध। अब जो क्रेड की परीक्षा है उसमें शिक्षक और सैन्यकर्मी दोनों को शोध करने का मौका दिया जाएगा। वहीं महाविद्यालयों के इतिहास के 41 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले, यह सूचना समाचार पत्रों में स्पष्टता से दी गई है। जहां रिक्ति नहीं उसका भी लिया गया विकल्प। 17 शहरों के 86 केंद्रों पर एसएससी परीक्षा आज। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टीयर फर्स्ट परीक्षा 10 जून तक 3 शिफ्ट में कराई जाएगी। परीक्षा इसमें शामिल होंगे यूपी बिहार के बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट आपकी है। वहीं अगली जो अपडेट निकल के आ रही है, कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना। कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती के लिए अंतिम परिणाम हेतु 24 मई से पीड़ित अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना इको गार्डन में शुरू हो रहा है। अभ्यर्थी भी एकदम हताश हो गए हैं, कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ना चाह रही है। जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर वगैरह जारी किए गए हैं उसको भी व्यवस्थित ये चला पाएंगे इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और जिनका रिजल्ट कंप्लीट हो गया है उनको जारी करके नियुक्ति देनी चाहिए, किंतु नियुक्ति के नाम पे शून्य हो रहा है UPSSC। वहीं दरोगा भर्ती में तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पकड़े गए हैं, 100+ लगभग अभ्यर्थी इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें कि जमानत याचिका बहुत दायर की और उस जमानत याचिका को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।